यार। चलो थोड़ा सा और खाओ। भाभी सब्जी बहुत टेस्टी बनी है। पे नहीं है, तेरे जैसी मिडिल क्लास लड़कियां इन लोगों के लिए चाइनीज सामान की तरह है। इस्तेमाल करो, चौरे खंडा जैसे लोगों के परिवारों में कोई संस्कार नाम की चीज नहीं होती है। हमारी तरह ये लोग प्यार को अहमियत नहीं देते, इनकी जिंदगी में सिर्फ पैसे की अहमियत है, इसीलिए इनका हर रिश्ता इतना खोखला होता है। बाप बेटे का नहीं है, बहन भाई की नहीं है, जानवरों को खाते और जानवरों की तरह जीते शौर्य खन्ना जैसे बड़े बड़े घरों में रहने वाले रईस साथ। अंकिता महक शर्मा का नंबर फॉरवर्ड करो। महक क्या बात है बेटा, खाना खा। हेलो, महक शर्मा, शौर्य खन्ना बोल रहा हूँ। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? बेवकूफी के सवाल मत पूछो। खाना खा रही हूँ। फैमिली साथ में? हाँ। फोन लाउड स्पीकर पे डालो। सॉरी, मैंने कहा फोन लाउड स्पीकर पे डालो। किसका फोन है महक? चाची शौर्य खन्ना का। बोल रहा है फोन स्पीकर पे डालो। फोन स्पीकर पे डाल। I'm sorry. आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहा हूँ, कुछ बात कहनी थी। आज जब आप लोगों के घर आया तो कहना भूल गया। मैं आप सब लोगों को इनवाइट करना चाहता हूँ इंडिया सुपर कुक के सेट में। मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब मैं कैमरे पे खाना बनाए तो आप सब लोग वहां पे हो, उसको सपोर्ट करें, उसको चेयर करें, उसको मोटिवेट करें। इसलिए मैं आप सब लोगों को कल इनवाइट करना चाहता हूँ। इसलिए कल के शूट पे आप लोग सब प्लीज आइएगा, और खासकर आप। मैं आपकी बात कर रहा हूं, आपकी, महक की कांता चाची। आपको तो पक्का आना है। आएंगी ना? हाँ जी हाँ जी, वो हम लोग पक्का आएंगे, आप चिंता मत करो। गुड, सो सी यू ऑल टुमारो। गुड नाइट महक। चाहता क्या है ये, क्यों उसे अचानक मेरी फैमिली को बुला रहा है, क्यों अचानक मुझे इस तरीके से बुला रहा है, तो गड़बड़ है। कुत्ते की दुम कभी सीधी तो नहीं हो सकती। हेलो, क्या हुआ? नींद नहीं आ रही? यही सोच रही होगी ना कि अचानक कुत्ते की दुम इतनी सीधी कैसे हो गई। क्या चल रहा है, चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में, क्यों कर रहे हो ये सब?
देखो मैं कह रही हूँ कि प्लीज प्लीज आप मेरी फैमिली को इन सब में मत घसीटिए। आपको मुझसे प्रॉब्लम है, मैं आपको पसंद नहीं हूँ, वो ठीक है, प्लीज मेरी फैमिली को इसमें इन्वॉल्व मत कीजिए। अरे रिलैक्स रिलैक्स, इतना शक्की क्यों हो रही हो तुम? आज पूरा दिन तुम्हारा ख्याल रखा, तुम्हें गोद में उठाया, तुम्हारा व्रत तोड़वाया, फिर भी डाउट कर रही हो। एनीवेज कल अपनी फैमिली को लेके सेट पे आ जाना एंड ट्रस्ट मी बहुत मजा आएगा। फोन तेरा तैयार हो? हाँ भाई। ताई जी मेरे पास तो कोई नई ड्रेस भी नहीं है, मैं क्या पहन कर जाऊंगी? और कोई जरूरत नहीं नई ड्रेस की, और वैसे मुझसे पूछो ना तो कोई जरूरत नहीं है किसी को जाने की। क्या दी? पर ताई जी लास्ट टाइम भी तो आपने मना कर दिया था। हाँ किया था, क्योंकि हमारे जाने से महक पे प्रेशर बढ़ेगा। भाभी आप भी ना बस कमाल ही करते हो, और जरा सोचो जब हम अपनी महक के लिए सारे मिलके हिपे फुरे कहेंगे तो हमारी महक का मोराल कितना बूस्ट होगा। और फिर वो शौर्य खन्ना, वो हमें इनवाइट करके नहीं गया, इसने इंसिस्ट किया, खुद फोन करके इसने हमें बुलाया। और फिर भाई साहब मैं तो सोचता हूँ कि क्यों ना ये शौर्य खन्ना को हम अपनी दुकान पे इन्वाइट कर ले। वो भाई साहब वो बहुत खुश होगा ये देख के कि हम अपनी पब्लिसिटी के साथ साथ उसके शो की भी पब्लिसिटी कर रहे हैं। लो ले आया। ओ शाबाश, लिया 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 लिया, रख दे यहाँ पे। क्या है भाई? बताता हूँ भाई साहब, पुत्र जी, हाँ जी मानसी जी, महक, पापी जी और पिताजी, जरा ध्यान से सुनो सारे के सारे। भाई और बहनों आइए, बड़े भाई की बड़ी दुकान और छोटे भाई की छोटी दुकान है अब इंडिया सुपर कुक की कंटेस्टेंट महक की दुकान। तो महक के लिए दुआ करके उसको इंडिया सुपर कुक जिताइए, और सच्चे अच्छे होजरी आइटम के लिए दोनों भाइयों की दुकान पे आइए। और अगर दिवाली पर 5,000 रुपए से ऊपर की शॉपिंग करेंगे तो सुपर कुक की पार्टिसिपेंट महक शर्मा के साथ उनके घर पर पहला एपिसोड देखने का सुनहरा मौका मिलेगा। आइए आइए आइए। चाचा ये सब क्या है? ओ महक पुत्र तू फिक्र मत कर, पूरी दिल्ली को पता होना चाहिए कि हमारी महक टीवी पे आने वाली है। ओ मैंने तो ये पैम्फलेट चांदनी चौक के हर गली हर कूचे हर दीवार पे चिपकवाने हैं। चाचा लोग रुक रुक के रास्ते में कॉन्टेस्ट की बातें करेंगे, पर ये तो अच्छी बात है ना कि पूरी दिल्ली को पता चलेगा कि हमारी चांदनी चौक की महक इतने बड़े टीवी शो में आ रही है, अटेंशन मिलेगा। ठीक ओके। ये रवि, ये पर्चे छपवाने से पहले किसी से कुछ पूछ तो लेता। ओ भाई साहब इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? हाँ। तो ज्यादा प्रिंसिपल बनने की कोशिश मत कर, ये जो रवि कर रहा है ना बिल्कुल ठीक कर रहा है, है? अरे हम भी तो देखें कंपटीशन में जाके महक क्या रंग लाने वाली है। अच्छा ये जो फैमिली सर्कस है ना ये बंद करो, जाओ जाने की तैयारी करो। एक मिनट, एक फोन है। हेलो, हाँ जी मल्होत्रा साहब। हाँ हाँ नहीं हो जाएगा, ऑर्डर आज ही हो जाएगा, पेमेंट कैश है ना? हाँ हाँ आज ही डिलीवरी हो जाएगी। ओके भाई ऐसा है कि आप सब लोग चलो, मैं थोड़ा सा काम है, जरूरी काम। भाई साहब मल्होत्रा साहब ने बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है, आज ही सप्लाई करनी है, कैश पेमेंट है, आप लोग पहुंचो। मैं एक काम करता हूँ, मैं दुकान जा रहा हूँ, आप लोग पहुंचो। और ये अकेले? नमस्ते जी, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। आप लोगों को यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। हमें भी यहाँ के बहुत मजा आ रहा है। दिलाऊं मजा? बदतमीज। क्या है? नहीं शरारती हो। नहीं वैसे मैं कह रहा था राजीव जी, तो ये शौर्य जी ने अचानक हम सबकी फैमिली को यहाँ कैसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा।
शौर्य का भी पता नहीं चलता, सोचता ही रहता है शोक के बारे में, नई नई चीजें। बस प्लीज बी कंफर्टेबल, आइए आइए। शौर्य खन्ना, सर क्या बात है, आज मेरी ऑडियंस छोले भटूरे खाकर आई है। आई मीन ऑयली छोले भटूरे खाकर आई है क्या? सुस्त लग रहे हैं सारे। आई सेड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। That's the spirit. आज के इस राउंड में कंटेस्टेंट्स के साथ उनके फैमिली मेंबर्स भी शामिल होंगे। उनको जोर जोर से चीयर करने के लिए, उनका मोराल बूस्ट करने के लिए, क्योंकि आज का राउंड बहुत ही स्पेशल है और बहुत ही टफ। इस राउंड का नाम है अकेलेस हील, यानी कमजोर एड़ी। मेरे पिछले राउंड ब्रॉन्ज बुल की तरह, ये राउंड भी ग्रीस से इंस्पायर्ड है। अकेलेस एक ग्रीक शूरवीर योद्धा था जिसको कोई कभी नहीं हरा पाता था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी और वो थी उसकी एड़ी। अपनी आखिरी फाइट में अपनी एड़ी पे चोट लगने की वजह से वो बेचारा मारा गया। अभी तक हमने देखा कि हमारे कंटेस्टेंट्स एक से बढ़कर एक है, बहुत ही इनोवेटिव है, स्टाइलिश है और काम हेडेड है। तो इसलिए हमने सारे कंटेस्टेंट्स की प्रोफाइल को एक एक करके स्टडी किया और उनकी एक एक वीकनेस को ढूंढा। आप सबके सामने एक एक बॉक्सेस रखे हुए हैं नेक्स्ट टू योर गैस स्टेशन, और इन बॉक्सेस में एक इंग्रेडिएंट है, एक स्पेशल इंग्रेडिएंट है जो आप लोगों की वीकनेस है। शायद आप लोग मनी मन जान गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तो अश्मित अपना लेट उठाइए। ओह माय गॉड, मशरूम। तो मिस्टर अश्मित, आपकी प्रोफाइल को स्टडी करके पता चला कि आपको
मशरूम से एलर्जी है, इसलिए मशरूम है आपकी कमजोर एड़ी। और आज का आपका यही टास्क है, मशरूम से कुछ स्पेशल बनाइए। मेरी ऐसी क्या वीकनेस है, मुझे तो किसी चीज से एलर्जी नहीं है, फिर क्या वीकनेस रखी होगी इसने। और बेस्ट बचता है लास्ट के लिए। महक शर्मा, प्लीज अपना क्लॉच उठाइए। आप सबको एक बात बताना चाहता हूं, हमारे बीच महक शर्मा एक सात्विक फैमिली से बिलोंग करती हैं। अंडा मीट चिकन खाने वाले तामसिक प्रवृत्ति के लोगों से बिल्कुल अलग। ये लोग सिगरेट शराब मांस मछली सब खाते हैं, इसीलिए तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं। इनके घर प्याज और लहसुन हफ्ते में सिर्फ 5 दिन खाया जाता है। महक शर्मा शुद्ध शाकाहारी है। चिकन सबसे ज्यादा खाने वाला नॉनवेज आइटम है, इसलिए आज महक शर्मा की कमजोर एड़ी है चिकन। जी ये गलत बात है, महक वेजिटेरियन है, आपने उसको कुकर पकड़ा दिया, वो बंदा उसको मशरूम से एलर्जी है, और ये लड़की आपने इसको मछली थमा दी है। आप इन सबको मजबूर नहीं कर सकते ये सब बनाने के लिए, ये गलत बात है। बैठ जाइए। ये कॉन्टेस्ट प्रोफेशनल्स के लिए है, जो लोग शौक के लिए खाना बनाना चाहते हैं वो कृपया करके अपने घर जाएं और अपनी मनपसंद का खाना बनाए। यहां से निकलने वाले एक एक कंटेस्टेंट देश के बड़े बड़े किचन संभालेंगे और एक असली किचन में कमजोरियों की कोई जगह नहीं। आज जो कंटेस्टेंट्स अपनी कमजोरी पर काबू पाकर एक अच्छी डिश बनाएंगे वही आगे जाएंगे, और जो ना बना पाए वो यहां से बाहर जाएंगे। What do you think? Sir, you know ना, मुझे मशरूम से कितनी एलर्जी है, और आपने एक काम करिए, एक एंटी एलर्जिक डोज लेके आइए और शुरू हो जाइए। रिया, you look very beautiful. प्रॉन से क्या बना रही हैं? थैंक यू सर। या बट आज मैं जो बनाऊंगी
वो आपको जरूर पसंद आएगा। एक प्रॉन्स डिश स्पेशल। I like your confidence. All the best. Mrs. Chawla. जी सर। आज क्या बना रही हैं आप? इन अंडों से। तो महक शर्मा, आज कुछ बना पाओगी? या फिर कुकड़ू कू करके घर वापस चली जाओगी? अरे रे रे, आपको तो एक आंसू ही काफी है महक शर्मा। तो क्या कहते हैं चांदनी चौक में चिकन को? कुकर, राइट? यही कहते हैं ना? ये लो, तैयार हो गई आज की बेहतरीन डिश, कुकर आंसू वाला।